डॉली, निकी, पता है मैं कहाँ बैठी हूँ? इस सोफे पे जहाँ मैं रितेश के साथ बैठी थी जब वो पहली बार घर आया था। स्कूल का सबसे क्यूट लड़का और मेरा खास दोस्त। दीदी, वो इतना भी क्यूट नहीं था और वो तुम्हारा खास दोस्त कैसे बन गया? तुम तो बस उससे हमारे स्कूल में और घर में मिली हो। तुझे नहीं पता सनी, हम दोनों एक मूवी देखने जाने वाले थे। उसने पूछा? नहीं, बस पूछने ही वाला था, पर मैंने एक गलती कर दी, उसे इस घर बुला लिया और इस पागल खाने में उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। दीदी, पागल तुम हो। सनी, दफा। निकी, इस शनिवार को हमारे स्कूल में डांस पार्टी है और लड़कियां चुनेंगी अपनी डांस पार्टनर को और मैं चुनूंगी रितेश को। इस बार तो 100% पूछेगा। डॉली, ये 100% क्या है? पापा, वो साइंस में मुझे मिलने चाहिए। ये हुई ना मेरी होनहार बेटी, ये बेटा। पापा, मुझे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। वहीं रुक जाओ। जी, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे हसीन सपना देख रहा हूँ। मेरा पुराना स्कूल मुझे शनिवार के होने वाली डांस पार्टी में टीजे बनने के 2,000 रुपये दे रहा है। मेरा सपना अभी भी चल रहा है। अब बस मुझे डीजे का सामान किराए पे लेना है और उसके लिए आपसे सिर्फ 4,000 रुपये चाहिए। टूट गया क्या सपना? अंकल, उस सपने में मैं क्या कर रहा था? उस सपने में तुम अपने दोस्त को अच्छी सलाह देने की बजाय एक बेवकूफ की तरह खड़े थे, जैसे अभी खड़े हो। रोहन, तुम्हें ऐसा काम क्यों करना है जिसमें तुम्हें अपनी जेब से पैसे डालने पड़े? पापा, आपके लिए बस पैसा ही सब कुछ है। छी, 4,000 रुपये दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं, पैसों का इंतजाम तुम्हें खुद कहीं और से करना। कहीं और? खुद कैसे? मैं बताऊं? नौकरी ढूंढकर। मैं बस डॉली का है यार, तू उसे परेशान मत कर। अरे तू तो मैं उसे कहाँ परेशान ना करूं। हाय डॉली, आज लग रही हो एकदम जॉली। पोपी, तुम फिर से यहाँ? इस शनिवार जो तुम्हारे स्कूल में डांस पार्टी है उसमें लड़कियां लड़कों को चुनने वाली हैं, तुम्हें पता है ना? हाँ। तो तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, क्या तुम कुछ चुनना चाहती हो? पूपी, देखो, रोहन मेरा भाई है और तुम उसके बेस्ट फ्रेंड, तो एक तरह से हुए ना तुम भी मेरे भाई। तो मैं अपने भाई के साथ डांस पार्टी में कैसे जा सकती हूँ, है ना? इतनी लंबी बात तो हमारी आज तक नहीं हुई। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुनो ना, कोई भाई, बेस्ट फ्रेंड और डांस पार्टी। पोपी, अब ध्यान से सुनो, इस शनिवार के डांस पार्टी के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। डॉली, जब तुम मुझे छूती हो ना तो मुझे करंट लगता है। ओए बच्चों, क्या कर रहे हो? हाय मॉम। क्या लाए आप? माँ, आप मेरे लिए गुलाब जामुन लाए हो? नहीं, सॉरी। माँ, मैं सोच रहा था कि निकी ने आज तक वीडियो गेम नहीं खेला ना, तो क्यों ना मैं इस शनिवार को उसे वीडियो गेम खेलना सिखाऊं। हाय मेरा बेटा, कितना ख्याल है तुझे निकी का। इस शनिवार को तेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। ओ, पीटीए मीटिंग, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन हम नहीं भूले। तुझे पता है सुषमा मैडम वो पहली मैडम है जिन्होंने तेरे बारे में कोई शिकायत नहीं की। अच्छा माँ, ये स्कूल जाता भी है? लेकिन वही पीटीए मीटिंग हर साल आती रहेंगी ना। लेकिन निकी के लिए फर्स्ट पिकनिक नहीं आएगी, क्यों ना इस शनिवार को हम उसे कहीं पिकनिक पे लेके जाएं? तू सोच ले, हम पिकनिक मनाने ही जा रहे हैं। सोच, निकी की फर्स्ट पिकनिक, वो भी स्कूल में। बड़ी होगी तो कितना पड़ेगी वो, है ना? कहीं भैंस पानी में। माँ को भैंस बोला? पागल, मैं पता है कि सुषमा मैम मुझ पे क्यों नहीं चिल्लाती है? क्यों?
क्योंकि मैं उन्हें कहता हूँ कि माँ पापा बहुत झगड़ते हैं। एक मिनट, तो तू ये कह के बच जाता है? और क्या, और कोई ऐसी शक्ल बना लेता हूँ। अरे यार तू तो सही कह रहा है, मैं तो बस अभी तुझे गले लगाने वाला था। सुषमा मैम तो पूरी पिघल जाती है, कभी भी कोई गलती की तो मिस मम्मी पापा मेरे से झगड़ रहे थे। तो बड़ा तेज निकला टुन्ना, लेकिन तेरी पोल खुल जाएगी क्योंकि मम्मी पापा सुषमा मैडम के सामने नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, तेरा खेल खत्म। नहीं लड़ेंगे? अभी देखते हैं। अरे वाह, लगता है मम्मी ने आज डब्बा पूरे मूड में तैयार किया है। देखना मसाला पूड़ी और कीमा, वाह मजा आ गया। तू क्या लाई है? गैस कर। फिर राजमा चावल? चल कोई नहीं तेरा भी दिन आएगा। ए, तूने मुझे बताया नहीं तू अपना डांस पार्टनर किसे चुन रही है? वो गेस कर वो टॉल है, क्यूट है और कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ, बस तुम टॉल नहीं हो और हैंडसम भी नहीं हो और क्यूट। वैसे तुम हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो? देखो तुमने जो अभी कहा वो मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, यू नो, यूनिक। सही कहा, यूनिक सैंपल। ओहो, तुम दोनों तो ऐसे लड़ते हो जैसे पति पत्नी। मैं तेरे हैंडसम होने वाले डांस पार्टनर के बारे में बात कर रही हूँ और तू उस बेवकूफ को मेरा पति बना रही है। अच्छा चलिए छोड़, ये बता तूने डांस पार्टनर किसे चुना है? वो वो मिस्टर, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे चांद तारे दिखने लगते हैं, अपने आप म्यूजिक बजने लगता है और मैं तुम्हें। अच्छा मेरी बात सुन, जो भी करना है ना जल्दी कर ले, बहुत सारी लड़कियों की नजर है उस पे, पता चले तेरे होने वाले डांस पार्टनर की डांस पार्टनर कोई और बन जाए। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो मेरा ही डांस पार्टनर बनेगा और डांस करते करते एक प्यारी सी रोमांटिक मूवी के लिए भी पूछेगा। अच्छा तो यहाँ बैठे प्लान बनाती रहे और वहाँ हिना तेरे राजकुमार के साथ रोमांटिक फिल्म शुरू भी कर चुकी है। हाँ? ये कैसे हो गया? हिना, ये तुम्हारी सुंदर सी चेहरे पे राजमा चावल। आ जाओ मेरी ब्यूटी क्वीन, तुझे नहला के लाती हूँ। हाँ आ जा। ओ रितेश, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाय। हाय। वैसे पता नहीं कैसे अचानक से बेचारी पे राजमा चावल खेल गए। हाँ बेचारी, वैसे निशाना अच्छा था। हाँ से फिसल गया। अब मुझे बता, जब तूने रितेश को डांस के लिए पूछा तो उसने क्या कहा? एक एक बात बताना, कुछ भी छुपाना मत, ओके? तू सुनने के लिए तैयार है? हाँ। तू सुन रही है? हाँ। उसने कहा? हाँ। ठीक है। सोच फैम कितना मजा आएगा जब हम स्लो डांस करते करते एक अच्छी सी रोमांटिक फिल्म देखने का प्लान बनाएंगे। प्लान तो बन सकता है लेकिन अगर तू थोड़े से ढंग के कपड़े पहन के जाए तो, अगर ऐसे जोकर के जैसे जाएगी ना तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ पैम तू बिल्कुल सही कह रही है। आई नो, मुझे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए बिल्कुल तेरे जैसे। अब समझी ना तू? चल कोई बात नहीं, तू समझ तो गई। हाँ खैर ये छोड़, मैं सोच रही थी कि मैं और रितेश डांस के लिए कैसे पहुंचेंगे, वैसे तू कैसे जा रही है? अभी तक मैंने सोचा नहीं है, एक्चुअली किसी लड़के से नहीं पूछा है ना, 5 लड़के हैं लिस्ट में। उनमें से किसी को गाड़ी चलानी आती है? सोचने दे, एक लड़का 8th स्टैंडर्ड में है, 2 लड़के 9th स्टैंडर्ड में है और एक स्वीट सा 6th स्टैंडर्ड में है। गाड़ी चलाना किसी को नहीं आता। क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर तू गाड़ी से जा रही है ना तो मैं और रितेश भी तेरे साथ चलते। अच्छा
कोई नहीं, फिकर नॉट। तो समझ तेरा काम हो गया। उसके लिए बस मुझे अपनी लिस्ट थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी और अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तेरा स्टैंडर्ड और भी कम हो सकता है? ओए, तेरे को गाड़ी चाहिए कि नहीं? निकी बेटा, आज बाहर ना बहुत ठंड है, इसके लिए हमको स्वेटर पहननी है। और मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। बेटा तैयार है ना? हाँ माँ। सनी, आज कितनी अच्छी बात है ना, आज तेरी पीटीए मीटिंग में तेरी टीचर हमें देखकर ये नहीं कहेगी, आप है ना सनी के मम्मी पापा। माँ, आपने कोई परफ्यूम लगाई है क्या? हाँ, अच्छी है ना, मेरी स्पेशल वाली। हाँ, अच्छी है। क्यों, तुझे पसंद नहीं? मुझे पसंद है, लेकिन शायद कोई और है जिसे। किसी और को मेरी परफ्यूम पसंद नहीं? कौन है वो? देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि पापा किसी मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए। पापा? तेरे पापा ने ऐसा बोला कि उन्हें मेरी परफ्यूम पसंद नहीं? वो ऐसा बोलते ही नहीं, वो ऐसा भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें आपके परफ्यूम सुनने पर उल्टी आती है। उल्टी? तेरे पापा? अच्छा सनी बेटा, मुझे ये पता, तेरे पापा को मेरी कौन कौन सी बात पर उल्टी आती है? देखो माँ, अभी मैं काफी कुछ कह चुका हूँ तो। निक्की, पापा को मेरी परफ्यूम पर उल्टी आती है? हम पापा को मजा चखाएंगे। हाय पापा। हाय बेटा। जैकेट अच्छी है। हाँ, अरे बल्ब भी पहनी किसने है? और ये है मेरी कंपनी का लोगो, टिंग टोंग, मुफ्त में एडवर्टाइजिंग, टिंग टोंग, और अपने बिजनेस के बारे में बात करने का बहाना, टिंग टोंग। वैसे पापा, मम्मी को पता है क्या कि आप ये जैकेट पहन रहे हो? सनी, शायद तुम्हें पता नहीं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना, इसलिए अपने कपड़े भी मैं खुद चुनता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मी से पूछना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, जो हो गया तो हो गया। क्यों, बात क्या है? देखो पापा, मैं नहीं चाहता कि मम्मी किसी मुसीबत में पड़ जाए, लेकिन माँ कह रही थी कि आप अपने काम के बारे में कुछ ज्यादा ही बात करते हैं और वो परेशान हो जाती है। मैं अपने काम के बारे में कुछ ज्यादा ही बात करता हूँ, उस काम के बारे में जिसकी वजह से उसके सर पर छत है। पापा, आप याद रखना कि मैं आपके साइड पे हूँ। अच्छा, वैसे मेरी और किस किस बात से परेशानी है तुम्हारी माँ को? पापा, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका हूँ तो। चले, देर हो रही है। देर क्यों होगी, हम अपनी कार से जाएंगे, वो कार जो मैंने काम करके खरीदी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं, बस गाड़ी के शीशे नीचे रखना, मैं नहीं चाहती किसी को उल्टी आ जाए। ये लेडीज भी ना। डॉली को तो देखो, क्या बात है, ओए होए, क्या लग रही है तू? थैंक यू। कोई, मुझे भी तो देखो। तुम दो मिनट बाहर ही रुको, हम दोनों को बात करनी है। पॉपी, हमें गाड़ी चाहिए थी और पॉपी गाड़ी के साथ फ्री आ गया। चले डॉली बेबी, पम पम बाबा। डॉली, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। ये क्या है? मेरी दादी जी की कार है, उनसे बहाना बनाए कि कपड़े धुलवाने जा रहा हूँ, वरना वो कार लाने कहाँ देती हैं? अबे, तो कपड़े ही धुलवाता ना, आया ही क्यों? अब ये सीट का स्प्रिंग खराब है, मुझे लगता है मुझे बीच में बैठना चाहिए, है ना? हाँ। अब
तुम ठीक हो ना? हाँ। डॉली, मुझे पीछे का ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें रितेश से थोड़ा दूर बैठना होगा। विदारा सिंह, तुम दूसरी तरफ किसको? थोड़ा और, थोड़ा और। पोपी, अगर वो इससे ज्यादा खिसकेगा तो गाड़ी की बाहर ही गिर जाएगा। अच्छा, थोड़ा और। और ये है मेरा क्लासरूम। ओ नो, सुषमा मैम किसी और से बात कर रही है। थी ना हम अगले साल उनसे मिलने? बदबू आ रही है ना? जब नाक खराब हो ना तो खुशबू भी बदबू लगती है। मैं निकी के डायपर की बात कर रहा हूँ। ये तेरी मम्मी को हुआ क्या है आज? मुझे क्या पता ना? और वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ये बदबू बहुत पसंद है, समझे? पॉटी की बदबू। यार मैं इसका डायपर बदलता हूँ। और जो मेरा बच्चा। ओह हाय सनी बॉय। हेलो मैम। कैसा है मेरा बहादुर सिपाही? बहुत बुरा हूँ मैम, मम्मी पापा फिर से झगड़ रहे हैं। फिर से? ये तो बहुत बुरी बात हुई। उनका ये झगड़ा पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना होमवर्क आपको अगले ट्यूसडे तक दे पाऊंगा। ओफो, डोंट यू वरी, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लो। ये समय नहीं, बस खुशी और प्यार चाहिए। ओह माय पुअर चाइल्ड, ओह I will help you. तो दोस्तों ये शानदार गाना था नट्टू हलवाई की तरफ से। जब आपका दिल करे खाने को मिठाई, पहुंचो सीधे नट्टू हलवाई। मजेदार मीठी मिठाई नट्टू हलवाई। अरे रोहन, ये क्या हो रहा है? गाने के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स? ये मेरे सब स्पॉन्सर्स के एड्स हैं। वो क्या है ना, मुझे डीजे का सामान खरीदना था इसलिए। क्या? लेकिन तुम्हें किस स्पॉन्सर ने पैसे? सुनती जाओ, खुद जान जाओगी। और अगला गाना है मेरी मम्मी की तरफ से, जिन्होंने मुझे पूरे 1000 रुपए दिए हैं। सुख दुख में काम आए माँ, गरीबी में मदद करे माँ। मम्मी मम्मी। अवतार जी इधर आना, ये देखो हमारी सनी की ड्राइंग कितनी अच्छी है ना। एक बात कहूं हेमानी, हमने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। देखो तो सनी बॉय, तुम्हारा मम्मी डैडी कितना प्यार से बात कर रहे हैं। मैं उनको मिल के आती हूँ। चल बेटा सनी, जल्दी कुछ कर इससे पहले कि ये मामला तेरे हाथों से निकल जाए। चल बेटा चूहे, दिखा दे अपना कमाल। आंटी, ये कंधे पे कुछ है। रितेश, मुझे जूस चाहिए। अभी लेके आया। वैसे पोपी, मुझे भी जूस पीना है। तो जाके ले आ, तेरे पैर टूट गए हैं क्या? अच्छा कौन सा वाला लाऊं, बर्फ के साथ या बिना बर्फ के? जिसमें भी टाइम ज्यादा लगे। जा, जा। पैम, लगता है अब टाइम आ गया। जा जा, यही है मौका, मार दे चौका। बेस्ट ऑफ लक डॉली। रोहन, एक प्यारा सा स्वीट सा गाना बजाओ।
थोड़ा रोमांटिक. ओके ठीक है. तो दोस्तों अब माहौल को करते हैं थोड़ा रंग बिरंगा. अगला गाना है लवली मैचिंग सेंटर की तरफ से. कोई घर हो या कोई हाउस, लवली सारी के लिए लवली ब्लाउज. थैंक यू. डॉली थैंक यू. चलो डांस करें. रोहन रोहन जल्दी से गाना चेंज कर, कुछ तेज बजा, फास्ट म्यूजिक. लेकिन ये गाना तो अभी अभी शुरू हुआ है और मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ अभी. तो दोस्तों अब एक नया गाना. ये गाना है पोपी की तरफ से. पोपी जिसकी खास बात है कि वो मेरे सामने खड़ा है. चलो पिंजरे के अंदर. Yes. आज इस पीटी मीटिंग में कितना कुछ हुआ, मैं थक गया हूँ. चलो घर चलते हैं. मिस्टर सिंह क्या बात है, आपने तो फटाक से चूहे को अंदर कर दिया. वो क्या है ना, मेरा काम ही इस तरीके का है. हमें अक्सर चूहे पकड़ने पड़ जाते हैं. हमारा बिजली का काम है, अवतार बिजली कंपनी. तो चूहे अक्सर बिजली की तार काट जाते हैं. पर मुझे अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि मेरी श्रीमती जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है. हाँ? मैंने कब ऐसे बोला? सनी ने बताया मुझे कि जब भी मैं अपने काम की बात करता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ होती है. मम्मी देखो ना, निकी तो मुझसे भी ज्यादा थक चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए ना. और आपको जो मेरी परफ्यूम से उल्टी आती है उसका क्या? तुम्हारी वही परफ्यूम तुम्हारे दिमाग में चल रही है. इधर भी झगड़ा लड़ाई शुरू, घर में तो आप रोज लड़ाई झगड़ा करते हो. कभी सोचा है कि सनी के ऊपर क्या बीत रही होगी? अरे ये कैसे पढ़ाई करेगा? सुषमा मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? हम घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम घर पर बड़ी खुशी से रहते हैं. सनी की ड्राइंग देखिए, हमारी फैमिली देखिए, उसमें कितनी हैप्पी फैमिली है ना. मिसेस सिंह ये सनी घोष की पेंटिंग है, सनी सिंह की वो पेंटिंग है. कितनी दुखी पेंटिंग है देखो. हाय रब्बा, वाकई कितनी दुखी ड्राइंग है. नहीं सुषमा मैडम, लेकिन हम घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम घर पर बड़ी खुशी से रहते हैं. सनी तूने सुषमा मैडम को कहा कि हम घर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं? हाँ, ताकि मुझे होमवर्क करना पड़े और मैं बच जाऊं.
लेकिन शायद अब मैं फंस गया हूँ ना बुरी तरह से। सनी, तुम पूरे का पूरा होमवर्क करना, कंप्लीट करना मंडे मॉर्निंग तक, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन उसके लिए तो मेरा पूरा संडे बर्बाद हो जाएगा। ये तो बहुत बुरा होगा। अब चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इस तरह हमें बेवकूफ बनाया। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि हम इसकी बातों में आ गए। और मैंने ये कैसे मान लिया कि आपको मेरी परफ्यूम से उल्टी आती है? वैसे हिमानी, एक बात कहूँ, तुम्हारी परफ्यूम इतनी भी खास नहीं है। और आपको क्या लगता है, आपकी जो ट्यूबलाइट आपके कोट पे लटक रही है वो बड़ी खास है? अरे ट्यूबलाइट नहीं, ये बल्ब है, स्मॉल बल्ब, टाइनी बल्ब। तुम ट्यूबलाइट हो जो 25 साल नहीं समझ पाएगी मैं कैसा आदमी हूँ। तेरे डांस में उस तो कमाल के हैं यार। और जो तू एक टांग पे डांस करता है, वो अगर मेरा बस चले ना तो इन दोनों गधों को एक टांग मार के गाड़ी के बाहर फेंक। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तेरे फिल्म का प्लान बना? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने। तैयार हो जाओ। पॉपी, ये आवाज क्या है? क्या आवाज? वही आवाज जो डॉली को सुनाई दे रही है। लगता है गाड़ी के पीछे से आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे भी सुनाई दे रही है ये आवाज। पर मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हमें गाड़ी रोक के देख लेना चाहिए, है ना? हाँ, देख लूंगा बाद में। गाड़ी रोको। आजा पोपी, तुझे दिखाती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। जानता हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। पोपी, अगर तुम्हें अपने हाथ से जरा सा भी प्यार है ना, तो ऐसा दोबारा मत करना। सॉरी। हाय। हाय। डॉली, I'm sorry। मैं पोपी के साथ डांस करने में इतना मस्त हो गया था ना कि मैं तुम पे ध्यान ही नहीं दे पाया। हाँ। लेकिन उससे पहले वो जो रोमांटिक सॉन्ग था वो अच्छा था। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ डांस करके। पर पता है, मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैं तुम्हारे साथ डांस कैसे करूंगी। फिर मुझे लगा कि हिना तुम्हें डांस के लिए पूछ लेगी। फिर मुझे लगा कि मैं कपड़े क्या पहनूंगी। और सबसे जरूरी बात ये, तुम मेरे साथ मूवी चलोगी? अच्छा तरीका है मुझे चुप कराने का। मैं और रितेश बंद देखने जा रहे हैं और मेरी हसीन रुकी नहीं रही। किसे पता था कि पोपी की दादाजी की पुरानी कार दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह बन जाएगी। लेकिन अब मैं हंसना बंद करती हूँ। मैं हंसी रुकने से नहीं। लेकिन अब मैं हंसना बंद नहीं कर सकती। पोपी, ये लड़की तो क्या नाच रही है यार? हाँ, मैं तो सोच रहा था कि डांस के बॉस तो सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन ये तो चल बेटा चल।